हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आया हूँ टाइप्स ऑफ प्लायर का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लायर क्या होते हैं, इनके क्या इमेजेस होते हैं और साथ ही इनके एप्लीकेशंस क्या होना चाहिए, इसका कंप्लीट मैं आपको लिस्ट अवेलेबल कराया हूँ। तो दोस्तों, प्लायर टूल्स और इक्विपमेंट, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट आपको जो है ऊपर आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा। यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है उस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें हमने स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ प्लायर की कंप्लीट जो है डिटेलिंग करी थी। तो बैंड नोज प्लायर क्या होते हैं, जैसे कि जो आगे से बैंड होते हैं, ये आमतौर पर 45 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल में प्राप्त होते हैं। और साथ ही जो है इसका वर्क क्या होता है, तो ये सरफेस को बैंड करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे कहीं पर भी किसी सरफेस या मेटल को अगर हमको बैंड करना है, मेटल सरफेस को, तो वहाँ हम इस प्लायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो नाइन्थ पॉइंट होता है वो होता है बेल मेकिंग प्लायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आगे की तरफ जो है आपको स्टेप बाई स्टेप जो है यहाँ पर आपको इस तरीके के जॉ मिलते हैं, जिससे कि जो है आप एक तार के द्वारा जो है एक लूप तैयार कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो जहाँ पर भी अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप तैयार करने होते हैं अलग अलग शेप में, तो वहाँ हम इस तरीके के प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। आप जो है क्लैंप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी के साथ जो है जैसे ईयर के जो वायर बनाए जाते हैं, कान के वायर, वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टेंथ पॉइंट होता है ब्रेक स्प्रिंग प्लायर। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये कुछ स्पेशल टाइप का इसका जो है लुक देखने को मिलता है। आगे की तरफ से एक जो है वो थोड़ा सा तिकोनेदार मुड़ा होता है और एक जो है स्ट्रेट रखा जाता है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है ब्रेक स्प्रिंग प्लायर, तो जहाँ पर ब्रेक में जो स्प्रिंग इस्तेमाल करते हैं उसके लिए जो है इस प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपके स्पेशली जो है ड्रम ब्रेक के लिए काम में लिया जाता है, जहाँ स्प्रिंग्स को अगर निकालना है या फिक्स करना है तो ये प्लायर काम में लेते हैं। निकालने के लिए हम नीचे वाले जो का इस्तेमाल करते हैं, और फिक्स करने के लिए जो है ऊपर वाले जो का इस्तेमाल करते हैं। और जो पीछे की तरफ रेचेट दिया जाता है, ये शू होल्ड डाउन पिन जो इस्तेमाल की जाती है जो ड्रम ब्रेक्स होते हैं, ठीक है। इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन पिनों के लिए जो है अलग करने के लिए हम हैंडल में इस रेचेट का इस्तेमाल करते हैं। 11th पॉइंट जो कि बैटरी प्लायर होता है, तो देखिए बैटरी के लिए अगर कोई इस्तेमाल करते हैं प्लायर, तो वो ये वाला होता है, ठीक है। ऊपर का जो होता है इसका वो बड़ा होता है, नीचे वाला थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। और ये जो है आमतौर पे जो काम में लिए जाते हैं, तो कार की जो बैटरी होती है और जंपर केबल जो होते हैं उनके बोल्ट बनाए रखने के लिए जो है हम इस प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही जो इसका डिज़ाइन होता है वो बहुत छोटे कण वाले जबड़ों से बना होता है, ठीक है। और इसमें जो है निचला वाला जबड़ा जो होता है थोड़ा छोटा होता है, और ऊपर वाला जो रहता है वो थोड़ा बड़ा होता है, और टिकाऊपन बनाए रखने के लिए काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कैनवास प्लायर। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्प्रिंग लगी हुई है, और आगे का मुंह जो है इसका काफ़ी चौड़ा होता है। तो ये जो है आपके जो जैसे कैनवास होता है, कपड़ा है, तो उसको स्ट्रेच करके, जैसे कि आप स्क्रीन पे इमेज देख सकते हैं, वो जो है उसको खींचने के लिए इस प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग करने में ये प्लायर काफ़ी अच्छे से सक्षम होता है। 13th पॉइंट है चेन नोज प्लायर। इनका मुंह जो है आगे से थोड़ा तिकोनेदार होता है, और ये जो है आकार, तार को आकार देने के लिए, गहने बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी भी चीज़ को बहुत कम स्पेस में अच्छी तरीके से, जैसे वायर के लिए, है ना, काम में ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी बारीक छोटी चीज़ों के लिए बहुत अच्छी तरीके से यूज़फुल हो जाता है। 14 पॉइंट की फ्लैट और कॉम्बिनेशन प्लायर। तो इसे जो है फ्लैट प्लायर भी बोलते हैं और कॉम्बिनेशन प्लायर भी बोलते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों बोला जाता है, इसका आगे का एक सिरा जो रहता है यहाँ तक जो होगा, आपको किसी भी फ्लैट चीज़ को पकड़ने में काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है। जब राउंड बार होती है तो यहाँ पर जो ये होल दे रखा है दोस्तों, ये आपको काफ़ी उस बार को पकड़ने में अच्छी ग्रिप देता है। और जो ये थर्ड वाला जो पॉइंट जो आपको होल मिलता है, इसमें आपको कटिंग एज देखने को मिल जाती है, चाहे कोई वायर होता है। तो एक बात बता दूं, वायर ज़्यादा हार्डन ना हो और अच्छी तरीके से जो है उसको काटने के लिए हम इस कॉम्बिनेशन प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। इस पर अच्छा इंसुलेशन भी मिल जाता है ग्रिप के तौर पर, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है इंडस्ट्री में, इसको वर्कशॉप में आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में जो 15th पॉइंट है वो होता है आईलेट प्लायर। तो मैं आपको बता दूं कि इसका इस्तेमाल जो होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी होल के साथ में अगर कोई ग्रूव डालना होता है, तो आपको इमेज जो कि स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, तो वहाँ पर जो है आपके आईलेट के द्वारा जो है उस ग्रूव, जैसे कि मान लो लेस निकाल देनी है कहीं से भी, और होल में अगर अच्छी तरीके से जो है ग्रूव को फिट कर देना है, तो उसके लिए हम इस प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। आगे की तरफ ग्रूव फिक्स कर दिए जाते हैं, और देन इसके बाद में जहाँ पर होल होता है उस जगह पर हम वो ग्रूव को लगा के और पंच कर देते हैं। 16th पॉइंट है वो हो गया फेंसिंग प्लायर। तो फेंसिंग प्लायर जो है दो तीन मल्टीपर्पज़ टूल होता है, जिसमें कि आपके
जो फेंसिंग होता है, तो चाहे सिंगल वायर को अगर काटना हो और डबल वायर को एक साथ काटना हो, या फिर अच्छी तरीके से जो है इसको किसी जॉब को अगर पकड़ने के लिए दिया जाए, तो वो सारे काम इसके द्वारा कर सकते हैं। देखिए, अगर पकड़ना है अच्छी ग्रिप से तो यहाँ से पकड़ सकते हैं, वायर को अगर काटना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये कुछ हथौड़े टाइप का होता है, जो कि डबल मूव वाला जो हथौड़ा होता है, उस तरीके से ये जो है काफ़ी अच्छा आउटलुक इसका देखने को मिल जाता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल जो है फेंसिंग के लिए काफ़ी किया जाता है, या फिर नेल्स को निकालने या फिर लगाने के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। ग्रूमेट जो प्लायर होते हैं, ये नॉर्मली जो है जैसे तिरपाल हुआ, वहाँ पर अगर मान लो अगर आपको ग्रूव फिक्स करना है, जैसे कि आईलेट में मैंने बताया, तो कपड़े के लिए तो आईलेट का इस्तेमाल किया जाता है, और जहाँ पे तिरपाल और ऐसे जो इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर अगर आपको अगर होल में फिक्स कर देना है ग्रू को बिना कोई होल किए, तो वहाँ पर हम इस ग्रू मेट प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। 18th पॉइंट, होस ग्रिप प्लायर। तो आप देख ही सकते हैं, जहाँ पे नली की बात होती है, तो नली में अगर ग्रिप प्रदान करनी है होस को, तो वहाँ पर हम जो है इस प्लायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशल टाइप पर ये वहीं पर ज़्यादातर काम में लिया जाता है। और इसके बारे में अगर बात करूँ तो ये और क्या क्या कार्य कर सकते हैं, जैसे स्पार्क प्लग हो गया है ना, और विभिन्न अगर छोटे छोटे अगर कोई इक्विपमेंट्स बने हुए हैं तो उनको भी अच्छी तरीके से ग्रिपिंग देने में, और या फिर जॉब से फिक्स करने में कहीं पर भी वो काम में लेने के लिए काफ़ी अच्छी होल्डिंग डिवाइस के रूप में ये काम कर सकता है। ठीक है, और लाइन्समैन प्लायर, ये आमतौर पे कहाँ इस्तेमाल होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कि इसके द्वारा हम कटिंग कर सकते हैं। और ये जो है मल्टी टूल होता है, ठीक है, ये ट्विस्ट एंड टर्न भी कर सकता है, किसी मेटल को काट भी सकता है। और जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो जो है इसका इस्तेमाल जो है अच्छी तरीके से जो है लाइन्स के लिए कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए कर सकते हैं। नेल पुलर जो प्लायर होते हैं, तो देखिए नेल से पता चल रहा है मैं कील की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको कील को निकालना है तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं। पुलर मतलब निकालने के लिए, आमतौर पर जो है फिटिंग इंडस्ट्रीज में आपको ये देखने को मिल जाता है। 21, लॉकिंग प्लायर, देखिए ये बहुत ही स्पेशल प्लायर होता है, जैसे कोई कील हुआ है ना, बड़ी साइज़ में है और उसका हेड भी है, तो अच्छी तरीके से अगर सामने से फ्रंट व्यू से अगर उसको निकालना है तो वहाँ पर हम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कि अगर ग्रिपिंग में अलग साइड से भी निकालना हो तो भी हम इस प्लायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो प्लायर्स होते हैं आमतौर पे जो है अच्छी तरीके से जो है लॉक कर देते हैं, किसी भी चीज़ को होल्ड करके अगर लॉक करना हो तो इस प्लायर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसे जो है वाइस ग्रिप्स नाम जो प्लायर होते हैं उस नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो होता है पिस्टन रिंग प्लायर। तो देखिए आमतौर पे जैसे कि पिस्टन रिंग जो है, अगर अपन किसी भी पिस्टन में से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पिस्टन में से पिस्टन रिंग अगर निकालते हैं तो वो कहीं ना कहीं टूट सकती है, ब्रेक हो सकती है, हैजर्ड होता है, तो उसके लिए हम इस प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या करता है, इसके जॉ को हम जैसे ही यहाँ से दबाएंगे, ये स्प्रिंग जो है इसके आगे के जॉ को खोल देगी, उसको पिस्टन रिंग को इसमें फिक्स कर देंगे, और आफ्टर देन जो है उसको धीरे धीरे जो है फिक्स करने के बाद में यहाँ से ऊपर से वो प्लायर को फिर से वापस से इधर से दबाता कंप्रेस करते हुए जो है वो पिस्टन रिंग चौड़ी होती चली जाएगी और ऊपर की तरफ हम जो है निकाल लेते हैं। 23 पॉइंट होता है, वो होता है रनिंग प्लायर। तो रनिंग प्लायर क्या करते हैं, जैसे कि ग्लास में अगर मान लो कोई स्क्रैच मारा हमने और हमको उसी लाइन में अगर काट देना है तो कुछ भी नहीं करना है, इसके आगे के जो दांत रहते हैं वहां पर फिक्स कर दीजिए, है ना, और बीच में जो लाइन होती है वो लाइन से बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो इस तरह से, और ऊपर से अब जब इसको लॉक कर देंगे और फिक्स कर देंगे और जैसे ही दबाएंगे वो उसी लाइन में जो है जहां पे आपने स्क्रैच मारा था वो लाइन बिल्कुल ग्लास को बराबर काट देगा दो हिस्सों में। ठीक है, तो इस रनिंग प्लायर को जो है आपको आमतौर पे ग्लास के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मेटल प्लायर, तो देखिए शीट मेटल, आराम से आपको पता चल रहा है कि किसी शीट मेटल कार्य के लिए अगर हम प्लायर का इस्तेमाल करें, जैसा कि आप इसका लुक देख भी सकते हैं, किसी भी शीट को अगर बेंड करना है या सीम करना है तो वहाँ पर हम जो है इस प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। जनरल पर्पज़ में ये जो है आपको फिटर वर्कशॉप या मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप में आपको ये देखने को मिल जाता है, जहाँ पर भी शीट मेटल का वर्क होता है। अब देख लीजिए जो कि स्पार्क प्लग प्लायर कौन से होते हैं, तो आप जैसे कि देख ही सकते हैं ये कुछ इसका आउटलुक होता है, ये होता नॉर्मली प्लायर है, बस इसके आगे के दांते जो है पतले होते हैं और इसके ऊपर जो है इंसुलेशन कर दिया जाता है ताकि जो है करंट से बचा जा सके। आप स्पार्क प्लग को खोलकर इसके द्वारा जो है फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है स्पार्क प्लग के लिए इसका काम जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ में लिया जाता है। अब इसी के साथ में जो हमारा 26th पॉइंट है वो होता है वेल्डिंग प्लायर। नाम से ही पता चल रहा है वेल्डिंग के लिए जो प्लायर इस्तेमाल किया जाए वो ये होते हैं। तो ये भी नॉर्मली प्लायर होता है, बस आगे की तरफ इसके जो निकले रहते हैं और ये जो है आपके जो छोटे छोटे जैसे कि मान लीजिए स्पैटर गिरे हैं उसको हटाने के लिए, तार को जो है पकड़ने के लिए, काटने के लिए, या फिर हथौड़े
से निमटने के लिए, मतलब कहीं पर भी अगर हथौड़े का इस्तेमाल हो रहा है तो आमतौर पे वेल्डिंग इंडस्ट्री में जहाँ पर भी ये सारे कार्य होते हैं वहाँ पर हम इस प्लायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छे से आगे इंसुलेशन भी लगा रहता है तो आराम से जो है आपका काम कोई दिक्कत नहीं होती है, और इस तरीके से जो है इसको वेल्डिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा काम में लिया जाता है या फिर मैकेनिकल इंडस्ट्री में। और इसी के साथ में जो हमारा 27 पॉइंट हो जाता है वो होता है स्प्लिट रिंग प्लायर। तो देखिए जो इस जैसे कि मान लो कोई रिंग जो होती है, ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है स्प्लिट रिंग प्लायर जो होती है यह जो है आपके निचले जबड़े का जो है मुंह जो होता है इसका वो बिल्कुल स्ट्रेट दिया गया और ऊपर वाला जो है थोड़ा सा बेंड दिया जाता है। तो ये जो होता है आपके नोज़ल एक कील के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और इसके अलग अलग अगर मान लीजिए अगर कोई कॉइल होती है, ठीक है, तो उसके छल्लों को जो है अच्छी तरीके से ये जो है विभाजित कर सकता है, मतलब कि तोड़ सकता है दो हिस्सों में। और इसका उपयोग जो है मछली पकड़ने वाले औजार के समान भी किया जा सकता है, और ये जो होते हैं इसको फिशिंग प्लायर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है स्प्लिट रिंग के लिए जो है काम में लिया जाता है, मतलब दो टुकड़ों में अगर कोईल का इस्तेमाल करते हैं या फिर टूट गई है तो निकालने के लिए, उस तरीके से जो है इस प्लायर को काम में लिया जाता है। 28th पॉइंट होता है वो होता है ऑयल फिल्टर। तो जैसे कि पता चल ही रहा है कि जहाँ पर भी एक ये जो है देखिए इसका आगे का सी टाइप से इसका जो है आकार बना रहता है, इसका उपयोग जो है मोटर व्हीकल होते हैं उसमें तेल फिल्टर की कवरिंग को ख़त्म करने के लिए हम इस प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये एक बहुत ही स्पेशल पर्पस प्लायर हो जाता है जिसका एक ही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर कि आपके ऑयल फिल्टरिंग का ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है। और 29 सॉफ्ट जॉ प्लायर, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इसका स्पेशल जो है लुक आउटलुक देखने को मिलता है। इसमें आप जो है साइज़ को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, स्लॉट दिया गया है, और इसी के साथ में जो है वो बड़ा छोटा भी हो सकता है। और इसका मुंह जैसे बड़ा छोटा होता है तो अंदर की तरफ जो है बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल कुछ लगा रहता है जिससे जो है ग्रिपिंग जो है आराम से बन जाए, और दूसरा ये है कि भी किसी भी जो जॉब होता है उसको हानि ना पहुंचे, ठीक है। तो आमतौर पर इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो प्लम्बिंग के कार्यों के लिए या फिर स्कूबा ड्राइविंग उपकरण जो रहते हैं इक्विपमेंट उसके लिए ज़्यादातर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ में हमारा लास्ट एंडिंग पॉइंट गैस प्लायर। तो गैस प्लायर जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है जहाँ पे गैस का वर्क हो, और ये जो होता है ज़्यादातर आपके ऑयल पाइप होते हैं या ऑयल के टैंक्स हो गए है ना, वहाँ पे लगे जो नट होते हैं उनको खोलने के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है स्लिप जॉइंट प्लायर्स की तरह ही जो है इसकी ओपनिंग को जो है आवश्यकतानुसार जो है हम बड़ा या फिर बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमारे जो है स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लायर जो है कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी हेल्पफुल होगी, और इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।